स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की अपने डीपीपी नंबर टू के बारे में। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की डीपीपी नंबर टू के बारे में इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, ओवरव्यू ऑफ सेल्स और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशंस है उससे हम 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस होंगे और इसमें आपको सभी वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और यहाँ पर हम पीवाईक्यू को भी कवर करेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी की आपकी कोई लाइन मिसिंग नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन। हम हर दो लेक्चर के बाद एक डीपीपी प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये डीपीपी नंबर टू है हमारी आज का। हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर वन, द ओनियन सेल इज टिपिकली ए प्लांट सेल। जो ओनियन सेल है वो टिपिकली एक प्लांट सेल है। इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड स्ट्रक्चर रेस्पेक्टिवली इज। ये कह रहा है कि ओनियन सेल टिपिकली एक प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल है तो इसकी आउटर बाउंड्री क्या होगी? अगर प्लांट सेल है तो इसकी आउटर बाउंड्री होनी चाहिए सेल वॉल। यहां पर दिया है सेल मेम्ब्रेन एंड ग्लाइकोकैलिक्स। सेल मेम्ब्रेन किसकी होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल्स की, और जी ग्लाइकोकैलिक्स किसकी होती है आउटर बाउंड्री? बैक्टीरिया की। तो ये ऑप्शन हमारे वैसे ही गलत हो चुके हैं। अब बचते हैं सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो ये सही है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड प्लाज्मोडेस्माटा। सेल वॉल कनेक्शन होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ये हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते सेकंड लेयर। तो पहली लेयर होती है सेल वॉल, दूसरी होती है सेल मेम्ब्रेन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन चिक सेल्स हैव ए आउटर डेलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ये कह रहा है ह्यूमन चिक सेल, पहले पता होना चाहिए ह्यूमन चिक सेल्स कैसे है। एक एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स की सेल है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर आपको पता है, जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर आपको पता है कि सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। सेल वॉल केवल कहां होती है? सेल वॉल होती है प्लांट्स के अंदर। सेल वॉल प्लांट्स के अंदर होती है, तो इसके अंदर आउटर लेयर होती है प्लाज्मो मेम्ब्रेन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर थ्री, ये नीट 2010 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी ऑफ सेल्स। मेन एरिना होता है सेलुलर एक्टिविटी, हमें कहाँ देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है हमें, प्रोकैरियोट्स की बात चल रही है तो वो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। हमें मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों की बात चल रही है, तो मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या है? यहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। यहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है इसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस सेकेंड लेयर देखने को मिलती है हमें, और सेलेक्टिवली परमिएबल ये होती है। तो ये हमारे आंसर क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, ये नीट 1998 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बीच में क्या डिफरेंस है? इसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन गिवन है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में जो डिफरेंस है उसे आइडेंटिफाई करना है हमें। तो पहला ऑप्शन है ओपेरोन इन हिस्टोन। आगे पढ़ते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इन यूकैरियोट्स। ये बात सही है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जैसे मेम्ब्रेन बाउंड जैसे हमें गोल्जी बॉडी हमें क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है? ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है और कहाँ देखने को मिलते हैं? यूकेरियोट्स के अंदर। अब तीसरा ऑप्शन है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। नो, आपको याद रखना है जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, चाहे सर्कुलर है बट डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, दो स्टैंड उसमें देखने को मिलते हैं, तो ये हमारा गलत है। हिस्टोन विद प्रोकैरियोट्स डीएनए, नो, हिस्टोन
हिस्टोन किस में होती है? यूकेरियोट्स के अंदर हम डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलती है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन हमें देखने को नहीं मिलती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओपेरियन हिस्टोन, ही आगे पढ़ेंगे क्या होता है, बट हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सेल? सेल के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट दिया है, इन साइटोप्लाज्म वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। यस ट्रू है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट प्रकार के केमिकल रिएक्शन चलती रहती है जो कि सेल को लिविंग बनाती है, सही है। प्रोकैरियोट लेक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, दिस इज ट्रू, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में देखने को मिलता है, ये भी सही है। राइबोसोम्स आर ओनली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल्स, ये गलत है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, सिंगल मेम्ब्रेन, बट क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड हैव डबल मेम्ब्रेन, तो ये हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज ए सिंगल मेम्ब्रेन, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन है? तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, डबल मेम्ब्रेन, तो ये हमारा गलत हो गया। सेंट्रोसोम और राइबोसोम्स कैसे होते हैं, ये होते हैं मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस, तो ये हमारे ऑप्शन भी गलत हो गए। ऑप्शन नंबर बचा डी, ये होता है माइक्रोबॉडीज, तो माइक्रोबॉडीज कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, ये कह रहा है एनिमल्स इन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जिसे हम सेंट्रोसोम बोलते हैं, ये पाया जाता है एनिमल्स के अंदर, ये प्लांट्स के अंदर नहीं होता, इसका कहाँ यूज होता है, ये कहाँ में हेल्प करता है? तो ये हेल्प करता है, आप सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के अंदर पढ़ेंगे, इसका हेल्प होता है सेल डिवीजन के अंदर, ये हेल्प प्रोवाइड करता है, सेल एनिमल के अंदर नहीं होता, सेल डेथ, सेल जंक्शन, नो, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बेस्ड ऑन द राइबोसोम? राइबोसोम के बारे में हमें चार स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला दिया है राइबोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड ओनली इन बैक्टीरिया, नो, गलत है, केवल बैक्टीरिया के अंदर नहीं होते, साइटोप्लाज्म के अंदर भी देखने को मिलते हैं हमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी देखने को मिलते हैं, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। द लोकेशन ऑफ राइबोसोम इज ओनली साइटोप्लाज्म, नो, हमने अभी दो लोकेशन आपको और बताई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी देखने को मिलता है ये, साइटोप्लाज्म से अलग। द लोकेशन ऑफ राइबोसोम इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। द राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सॉरी, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यस ट्रू, राइबोसोम क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हमें चार स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। पहला है नर्व सेल आर द लॉन्गेस्ट सेल, यस दिस इज ट्रू, द ह्यूमन आरबीसी अबाउट 7 माइक्रोमीटर इज डायमीटर, सही है ये भी। माइकोप्लाज्मा आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, यस ट्रू, माइकोप्लाज्मा 0.1 मिलीमीटर, इनका 0.1 माइक्रोमीटर इनका हमें साइज देखने को मिलता है, बैक्टीरिया का कितना होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। और तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चौथा दे रखा है द शेप ऑफ बैक्टीरिया कैन नॉट विद द फंक्शन, दे क्या लिख रखा, कैन नॉट वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, तो क्या शेप शेप ऑफ सेल जो बैक्टीरिया की होती है वो वेरी नहीं करती, करती है, ये हमारा क्या है, गलत, हमने पढ़ाया है उसके अंदर जो कोलमनार सेल्स हमें देखने को मिलती है और कैसी कैसी सेल्स होती है उसके अंदर, हमें नर्व सेल्स, हमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पढ़ी है, तो हमने वहाँ पर पढ़ा है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स हमें देखने को मिलती है जिस हिसाब से वे फंक्शंस करती है, अलग अलग प्रकार की शेप हमें उनकी देखने को मिलती है, तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू चॉइस, कौन सा इनमें से ट्रू हमें बताना है। तीन स्टेटमेंट इसमें गलत है, तीन पॉइंट और एक पॉइंट इसमें सही है। तो आरबीसी क्या है, राउंड एंड कॉनवेक्स, नो, राउंड एंड कॉनकेव, बाई कॉनकेव, तो ये हमारा क्या है, गलत है। डब्ल्यू बी सी सिग्मोइड, नो, WBC क्या ऐसी होती है, अमीबॉइड, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत। ट्रैकिड कैसी होती है, ऐसी ट्रैकिड होती है, इलोंगेटेड, तो ये हमारा क्या है, सही है। नर्व सेल कैसी होती है, अनब्रांच, नो, गलत, कैसी होती है, ब्रांच, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है मेसोफिल सेल्स क्या है, मेसोफिल सेल्स की शेप कैसी होती है। तो जो मेसोफिल सेल्स होती है वे होती है राउंड एंड ओवल, राउंड एंड ओवल होती है, राउंड एंड कॉनकेव, राउंड एंड कॉनकेव किसकी होती है, राउंड एंड कॉनकेव होती है हमारी आरबीसी की। ब्रांच एंड लॉन्ग ये होती है नर्व सेल। अगला है लॉन्ग एंड नैरो, ये कौन सी होती है, कोलमनार, कोलमनार सेल्स होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कोलम वाला क्वेश्चन है, हमें बताना है, हमें चार माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया वायरस और ह्यूमन आरबीसी दिए है, हमें बताना है इनका साइज कितना माइक्रोमीटर होता है। सबसे पहले हमारे पास है, हम यहाँ से देखते हैं बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होता है उसका साइज होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर, वायरस का साइज कितना होता है, 0.05 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, ह्यूमन आरबीसी का साइज होता है 7 माइक्रोमीटर और माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर। तो ए का हमारा आंसर हो जाएगा 1, बी का कितना हो जाएगा, बी का 4, सी का आंसर हो जाएगा 3 और डी का 2, ये हमारा हो गया इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, हमें चार स्टेटमेंट गिवन है, प्रोकैरियोट्स आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीपल मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स, यस ट्रू, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जनरली स्मॉलर होते हैं और यूकैरियोट्स से भी तेजी से डिवाइड करते हैं, सही बात है। प्रोकैरियोट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, यस ट्रू, जो प्रोकैरियोट्स है वो बैक्टीरिया रिप्रेजेंट करते हैं प्रोकैरियोट्स को, ये भी ट्रू है। माइकोप्लाज्मा हैज नॉट ए डेफिनेट सेल वॉल्स, यस ट्रू। विब्रियो मीन्स कोमा शेप, ट्रू, बट बैसिलस मीन्स स्पाइरल शेप, नो, बैसिलस मीन्स कैसे होते हैं, रोड शेप बैक्टीरिया, रोड शेप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन है नीट 2017 का, क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट ए डेफिनेट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज सेल वॉल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ये कहना चाह रहा है जिस ऐसा बैक्टीरिया बताना है जिसके पास डेफिनेट सेल वॉल नहीं होती, विदाउट ए डेफिनेट सेल वॉल, तो ऐसा बैक्टीरिया है माइको प्लाज्मा और ये सर्वाइव कर सकता है बिना ऑक्सीजन के, तो ये होता है माइको प्लाज्मा होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है, एजर्सन दे रखा है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स आर बेसिकली नेकेड और मींस इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर, ट्रू, जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर की फॉर्म में देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा पड़ा होता है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। रीजन दे रखा है जेनेटिक मटेरियल इज नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी सही है, तो एजर्सन भी हमारा ट्रू है और रीजन भी सही है, एजर्सन एंड रीजन दोनों क्या है, ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, एजर्सन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एम्स 2010 का क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है, तो हमने आपको बताया था जो एक्स्ट्रा
जो स्मॉल सर्कुलर डीएनए हमें देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो स्मॉल सर्कुलर डीएनए हमें देखने को मिलता है उसे बोलते हैं प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल लीनियर आरएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। बैक्टीरिया लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, लीनियर नहीं होता, सर्कुलर होता है। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर आरएनए, नो, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए होता है, ये भी गलत हो गया। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए ये सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। हमें बताना है बैक्टीरिया के बेसिस पर कौन सा शेप को क्या बोलते हैं। पहला है कोक्कस, तो कोक्कस कैसा होता है, स्पेरिकल शेप। बेसिलस कैसा होता है, रोड शेप। विब्रियो कैसा होता है, कोमा शेप। स्पाइरलम कैसा होता है, स्पाइरल शेप। तो ए का आंसर हो जाएगा हमारा, ए का हो गया हमारा 3, बी का हो जाएगा हमारा 2, सी का हो जाएगा हमारा 4 एंड डी का हो जाएगा हमारा, डी का 1, ये इसका हो जाएगा आंसर। और अब बढ़ते हैं हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स, कौन सा प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोइड देखने को मिलते हैं, ट्रू। सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, ट्रू। मिजोसोम्स होते हैं, ये भी ट्रू है। तो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नीट 2020 का क्वेश्चन है। हमें बताना है पीपीएलओ का साइज क्या होता है। तो पीपीएलओ का साइज होता है, एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट लिखा है और हमने आपको थ्योरी में भी बताया है, ये होता है 0.1 माइक्रोमीटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये कह रहा है ऑल द फॉलोइंग विल बी करेक्ट रिगार्डिंग द मिजोसोम इन ए बैक्टीरियल सेल एक्सेप्ट। पहला दिया है इसने, हमें बताना है मिजोसोम जो बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। दे आर द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ट्रू। दे आर एक्सटेंशन इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दिस इज ट्रू। इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल टिब्यूल एंड लैमली की फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं। ऑल एबो थ्री स्ट्रक्चर, ये बात कर रहा है वेसिकल्स, टिब्यूल और लैमली की, ये सभी हमें साइनोबैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है, बट ऐसा नहीं होता। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या देखने को मिलता है, क्रोमेटोफोर्स हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, और ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है द पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के अंदर हमें कुछ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। तो हमारा आंसर होगा क्रोमेटोफोर। बेसल बॉडीज वगैरह, बेसल बॉडी कहाँ देखने को मिलता है, फ्लेजिला के अंदर देखने को मिलता है, फ्लेजिला और बैक्टीरिया के अंदर हमें बेसल बॉडी देखने को मिलती है। हेट्रोसिस्ट भी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज किए जाते हैं निमेटोफोर्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हम आगे, अब ये क्वेश्चन नंबर 22 है और नीट 2022 का क्वेश्चन है, एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें एजर्सन दिया है, नीट 2022 में आया था अभी लेटेस्ट पेपर में। इसमें बताया है जो माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू 1 मिलीमीटर फिल्टर, यस ट्रू, क्योंकि माइकोप्लाज्मा का साइज कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। तो ये 1 मिलीमीटर फिल्टर से तो इजीली पास कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। अब आगे दिया है द माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल्स, नो। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल लेस, सेल वॉल लेस होती है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो एजर्सन क्या है, ट्रू है, रीजन क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये कह रहा है सेवरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म ए चेन कॉल्ड। हमारे पास कोई क्या है, एक एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, तो इसके ऊपर राइबोसोम ऐसे जुड़े हुए हैं, ये क्या है, राइबोसोम। तो इसे बोलते हैं हम पोलीसोम्स या पोलीराइबोसोम। एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम का ऐसे अटैच होना क्या कहलाता है, पोलीसोम या पोलीराइबोसोम कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है,
ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, और डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, रिजर्व मटेरियल के लिए यूज की जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व मटेरियल कहां पे, बैक्टीरिया के अंदर। द राइबोसोम और पोलिसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू, तो राइबोसोम और पोलिसोम क्या होता है यहां पर, ये क्या करता है, जो पोलिसोम्स है जो एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, एमआरएनए को किसमें, प्रोटीन में। तो इसे क्या बोलते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन को, इसे बोलते हैं हम ट्रांसलेशन, इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ये कह रहा था प्रोकैरियोट राइबोसोम 70s मेड बाय टू सब यूनिट ऑफ, जो 70s राइबोसोम होता है दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, तो वो दो सब यूनिट क्या होती है, वो होती है 50s एंड 30s। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का सी। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू बच्चों, अब इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से इसे दोबारा से आप अटेम्प्ट क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगले लेक्चर में हम दो लेक्चर के बाद एक डीपीपी आपको प्रोवाइड करते हैं, और हम दो लेक्चर आपके थ्योरी के लेते हैं, उसके बाद एक डीपीपी जिसके अंदर 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, 25 30 20 जितने भी होते हैं क्वेश्चन, उसके टॉपिक की डिमांड के हिसाब से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, प्रोकैरियोट्स पर ही बेस्ड होगा, उस पर हम 25 क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, मेहनत करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय।